नमस्कार, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राज गोस्वामी। आप CBT 2 का तैयारी कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन। बहुत ही ईजी है प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, डरने का आपको ज़रूरत नहीं है। एकदम देख कर आंसर हम लोग बता देंगे कि किसका क्या प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन आपको जानने के लिए पहले आपको एंगल पता होना चाहिए, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। तो आप तीन वीडियो मैंने बना चुका है इससे पहले, तो एक में एंगल के बारे में आपको जानकारी है और दूसरा वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट है। तो आज तीसरा वीडियो देखेंगे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, बहुत ईजी वे में देखेंगे हम लोग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे आपको रेलवे में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो आज का वीडियो से आपको 2-3 नंबर का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिएगा, मैंने आप 9th-10th में पढ़े हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको आप क्या बोलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। लेकिन ड्राइंग में हम लोग ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप लोग, हम लोग बोलते थे एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसमें ड्राइंग में हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये जो वाई एक्सिस है इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल प्लेन। एक्स एक्सिस इसको आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट या लाइन में, तो इसको समझना बढ़िया से। कोई भी चीज़ का प्रोजेक्शन HP से ऊपर, मतलब इसके ऊपर, यानी HP से ऊपर कौन, फर्स्ट और सेकेंड, HP से नीचे कौन, थर्ड और फोर्थ। तो ये हो गया HP, और ये लाइन को क्या बोलेंगे, VP। तो VP ये हो गया HP, तो ये हो गया VP के आगे, फ्रंट ऑफ VP, और ये क्या हो गया, VP के पीछे, बिहाइंड VP। तो दो सवाल इससे बनेगा, बोलेगा HP के अबव है, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट या कौन सा एंगल। तो इसमें क्वाड्रेंट ना बोल के क्या बोल देते हैं हम लोग, एंगल। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एंगल, इसको सेकेंड एंगल, इसको थर्ड एंगल, इसको फोर्थ एंगल। तो आपका सवाल रहेगा कि एक कोई पॉइंट है या कोई एक लाइन है, वो HP के ऊपर है, तो HP के ऊपर चले जाइए, HP के ऊपर फर्स्ट या सेकेंड। दूसरा VP के आगे है, तो VP के आगे कौन होता है, फर्स्ट और फोर्थ। HP के ऊपर यानी तय बात है यही दोनों में से कोई होगा, और VP के आगे ये दोनों में से कोई, तो कौन सा लाइक किया दोनों कंडीशन में, तो फर्स्ट एंगल। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल। HP से ऊपर और VP के सामने, फर्स्ट एंगल। HP से ऊपर और VP के पीछे, सेकेंड एंगल। HP के नीचे और VP के पीछे, थर्ड एंगल। HP के नीचे और VP के आगे, फोर्थ एंगल। एंगल आप आराम से बता दोगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही पढ़ाई करते हैं, सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल के बारे में हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका आप मेरा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट एंगल में फ्रंट भी बनता है ऊपर और टॉप भी बनता है नीचे, और थर्ड में टॉप भी ऊपर फ्रंट भी नीचे, लेकिन सेकेंड में फ्रंट भी ऊपर और टॉप भी ऊपर, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कंसाइड कर सकता है। फिगर को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए सेकेंड एंगल का पढ़ाई हम लोग नहीं करते हैं। फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल में फ्रंट भी नीचे और टॉप भी नीचे बनता है, तो इसीलिए वो भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग या तो फर्स्ट पढ़ते हैं या तो थर्ड। इंडिया जो है फर्स्ट एंगल से हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं, और अमेरिका जो है थर्ड एंगल से प्रोजेक्शन करता है। इससे भी आपका सवाल बनेगा, इससे क्या सवाल बनेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट से, समझिएगा। या एक फिगर देगा आपको बताना किस एंगल में है, एक रेफरेंस लाइन ले लिया और एक पॉइंट ऊपर लिख दिए छोटा पी, और एक पॉइंट नीचे ले लिया उसका नाम रख दिया छोटा पी डैश। बोलेगा बताइए कौन सा एंगल में ये पॉइंट है, फर्स्ट एंगल में है, सेकेंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो एक चीज़ समझिएगा, अगर स्मॉल लेटर में लिख दिए कोई भी चीज़ तो वो होता है हमेशा टॉप व्यू। क्या होता है, टॉप व्यू। और डैश से डिनोट किसको करते हैं, डैश से
फ्रंट व्यू को, फ्रंट व्यू को। तो अभी आपको हम बताए थे, आप पिछला वीडियो देख लेना, इसमें हम प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन पढ़ना चाह रहे हैं, इसीलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आप बात कीजिए कि टॉप व्यू कहाँ है, देखिए तो पी है टॉप व्यू, टॉप व्यू कहाँ है ऊपर, ये हो गया टॉप व्यू, और ये क्या है पी डैश फ्रंट व्यू। तो जल्दी से बताइए, तो ये चीज़ कब होता है, जब वो पॉइंट किस एंगल में होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ। तो टॉप व्यू ऊपर थर्ड एंगल में होता है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो थर्ड एंगल में ही टॉप व्यू ऊपर होता है, तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर होगा थर्ड एंगल। लेकिन लेकिन यदि यही क्वेश्चन ऐसे रहता, एक रेफरेंस लाइन ले लिया, ऊपर पॉइंट एक ले लिया पी डैश, और नीचे एक पॉइंट ले लिया पी, और ऐसे एक मिला देंगे लाइन, अब बोलेंगे ये जो दोनों पॉइंट बना प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, बताइए कौन सा एंगल में पॉइंट है। तो पी डैश का मतलब फ्रंट व्यू, पी डैश का मतलब फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कहाँ है ऊपर, टॉप व्यू कहाँ है, टॉप व्यू कहाँ है नीचे। तो बताइए कौन सा एंगल है, फर्स्ट एंगल। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट एंगल। लेकिन एक और समझिएगा, एक रेफरेंस लाइन ले ली है, एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं छोटा पी, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं पी डैश, इसको मिला देते हैं। अब बोलेंगे कौन सा एंगल में है, तो ये फिगर देगा, पूछेगा कौन सा एंगल में पॉइंट है, तो ये कौन सा होगा, दोनों ऊपर है सेकेंड एंगल। इसका आंसर होगा सेकेंड एंगल, आप ऐसे भी जो भी ऑप्शन रहे सेकेंड एंगल। यदि दोनों नीचे रहे तो ऐसे एक रेफरेंस लाइन है, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया छोटा पी, पी डैश, इसका मतलब दोनों रेफरेंस लाइन के नीचे है, कौन सा एंगल, फोर्थ एंगल। तो ये पॉइंट के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए है। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों नीचे बनेगा तो होगा फोर्थ एंगल में, और दोनों ऊपर बनेगा तो होगा सेकेंड एंगल में। तो थोड़ा सा पहचानना या पकड़ना थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग हमेशा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यदि टॉप व्यू ऊपर दिखे तो थर्ड एंगल, और टॉप व्यू नीचे दिखे तो फर्स्ट एंगल, मतलब टॉप और फ्रंट दोनों को लेकर चलना है, टॉप ऊपर फ्रंट नीचे तो थर्ड, और फ्रंट ऊपर टॉप नीचे तो फर्स्ट। तो आप प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से इसमें हम लोग समझेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन। तो देखिएगा, इतना आप अगर अच्छा से समझ लिए तो ठीक, नहीं तो आप मेरा प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट का वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज समझेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन में क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि एक लाइन है, एक लाइन है जो एच पी और वी पी दोनों का पैरेलल है, एच पी और वी पी दोनों का, हिंदी में लिख देते हैं एच पी और वी पी दोनों का पैरेलल है। एक क्वेश्चन आपको बनेगा एच पी और वी पी दोनों का पैरेलल, एक क्वेश्चन बनेगा एक लाइन है एच पी, एच पी के पैरेलल और वी पी के परपेंडिकुलर, उसका प्रोजेक्शन बताइए। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है एच पी के, इस बार एच पी के पैरेलल था तो इस बार एच पी के क्या बना दो, एच पी के परपेंडिकुलर बना दो, एच पी के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और वी पी के क्या हो जाएगा पैरेलल। तीन कंडीशन, चौथा ऐसा हो सकता है, देखिए दोनों का पैरेलल या एक के पैरेलल एक का परपेंडिकुलर, दो कंडीशन। एक ऐसा हो सकता है कि एच पी के पैरेलल हो जाए और वी पी के इंक्लाइंड हो जाए, या एच पी के इंक्लाइंड और वी पी के पैरेलल हो जाए। तो बहुत सारा कंडीशन बनेगा, तो इसको जल्दी से तीन चार कंडीशन देख लेते हैं, हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पहला देख लेते हैं इसको, एच पी के परपेंडिकुलर, एच पी कौन है,
ये वाला रेफरेंस लाइन एच पी है, इसके हमको क्या लेना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला ऐसा, इसका देखिए तो क्या है, पैरेलल है, है देखिएगा, इसको आप बना लो ऐसे, समझो ये है आपका एच पी और ये है आपका वी पी, तो एच पी का परपेंडिकुलर मतलब इस पर 90 डिग्री, और देखिए ये वी पी का क्या है, पैरेलल है। चलिए इसको समझते हैं, ऐसे है एक लाइन मेरा, एक लाइन हम ऐसे अपना ड्रॉ कर दे, एक लाइन है, उस लाइन का नाम मान लो लेते हैं ए बी, इसका हमको प्रोजेक्शन बताना है, तो जल्दी से देखिएगा, ये ऐसे है एक लाइन हम बना दिए, इसका प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, मान ली दो से देख लेते हैं, एक देख लेते हैं हम लोग फ्रंट से, इसको फ्रंट से देखिए, तो फ्रंट से प्रोजेक्शन देखिएगा, तो हम बताए थे जहाँ से देखते हो वहाँ से टॉर्च मार दो, तो जैसे ही आप इसको टॉर्च मार दोगे तो इसका एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, ये प्लेन है, हम तो ये 2D में बना रहे हैं ना, ये ऐसे आपको बनाना है, एक ये पॉइंट यहाँ है, तो इसको प्रोजेक्शन लीजिएगा, सामने से देखिएगा आप तो कैसे बनेगा, ये कैसा दिखेगा, एक यहाँ लंबा लाइन दिखेगा, दिख गया। अब इसको आप एक बार कहाँ से देखो, लंबा लाइन दिख गया, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ दिख गया। अब एक बार इसको कहाँ से देख लो, ऊपर से देख लो, टॉप व्यू, चलिए इसको ऊपर से देखिए, इसको आप जो है ऊपर से देखिए, यहाँ से देखिए, तो इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर एक क्या जस्ट बनेगा पॉइंट, यहाँ एक बना लाइन, यहाँ ऊपर से आप देखोगे तो इसका भी प्रोजेक्शन कहाँ होगा, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। तो फ्रंट व्यू ए है तो छोटा ए डैश, बी है तो छोटा बी डैश, अब पॉइंट कैसे बनेगा, ऊपर से देखें तो ए भी यहाँ, बी भी यहाँ, यही पॉइंट पे छोटा ए बी, तो इसको आप ए बी भी लिख सकते हो या ए ब्रैकेट बी भी आप लिख सकते हो, तो ए बन गया। लेकिन अब हम इसको रेफरेंस लाइन में दिखाना चाहते हैं, एक्स वाई पे एक रेफरेंस लाइन ए वाला ले लिए, ये वाला रेफरेंस लाइन, इसके अलॉन्ग देखना चाह रहे हैं, तो आप बताइए, एक हम आइडिया आपको बताए थे कि ये है 3D और उसको आप बनाना चाहते हो 2D, तो हमेशा किसको घुराएंगे, एच पी को घड़ी के डायरेक्शन में घुरा देंगे। तो जल्दी से पहले बताइए, तो ये वी पी पे ये लाइन था यहाँ पर ऐसे, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ एक बना दिए, नाम हो गया ए डैश और इसका नाम हो गया बी डैश, और एक पॉइंट कहाँ था आपका, यहाँ पर यही एच पी, इसको क्या कर दो, घुरा दो घड़ी के डायरेक्शन में घुरा दो, तो ये कहाँ पॉइंट आ गया, नीचे, तो ये पॉइंट को घुरा दो तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे, ए बी बोलो या ए ब्रैकेट बी, तो इतना डिस्टेंस नीचे, तो इसको एक पॉइंट यहाँ बना दो, लिख दो ए बी, इसको डॉटेड करके आप क्या कर सकते हो, मिला भी सकते हो, मिला दो, यही हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, क्या चीज का, एच पी का परपेंडिकुलर और वी पी का पैरेलल, तो ये था एच पी का परपेंडिकुलर, कंडीशन नंबर 3 हम लोग सीख लिए। अब एक सीख लेते हैं हम लोग जल्दी से कंडीशन नंबर 2, एच पी का होना चाहिए पैरेलल और वी पी का होना चाहिए परपेंडिकुलर। फिर से देखिएगा, एच पी का परपेंडिकुलर था सामने से, आप देखो इधर से देखो तो इसका फोटो यहाँ एक लाइन छप जाएगा, इसी को ऐसा चिपका दो, और ऊपर से देखो तो इसको इस पर चिपका दो तो एक पॉइंट जस्ट बनेगा। तो आप जल्दी से सीखते हैं, इस बार एच पी का बनाएंगे हम लोग पैरेलल, तो एच पी का पैरेलल बना दो, इसको मिटा देते हैं, इस बार क्या बना दो, ये है एच पी और ये है वी पी, इसी में है, तो एच पी का पैरेलल होना चाहिए, तो एच पी का पैरेलल मतलब कैसा लाइन, ऐसा एक ऐसा लाइन बना दो, नाम लिख दो इसको ए बी, इसका प्रोजेक्शन करते हैं हम लोग, तो कहाँ से देखेंगे, पहले फ्रंट से, फ्रंट से देखें तो इसको जब एक लाइन को ऐसे देखिएगा आप सामने से, तो एक पॉइंट नज़र आएगा, यहाँ पर क्या प्रोजेक्शन इसका बनेगा, एक जस्ट पॉइंट, तो इसको छोटा ए बी, फ्रंट से देख रहे हैं ना तो डैश बोलना है ना, ए डैश बी डैश बोल दिए। और चलिए ऊपर से देखिए इसको, ऊपर से देखिए, तो ऊपर से देखिएगा तो ऊपर से देखिएगा तो एक लाइन ऐसे बन जाएगा, ऊपर से ऐसे नीचे गिर गया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, नाम छोटा ए छोटा बी, टॉप से देखोगे तो स्मॉल करना है, फ्रंट से तो डैश लगाना नहीं भूलना है। तो आप इसको रेफरेंस लाइन में कैसे डिनोट करोगे, ये ऊपर है, क्या है ए डैश बी डैश, यहाँ एक पॉइंट है ए डैश बी डैश, इसको डॉट डॉट से दिखा दिए। अब इसको क्या करो, नीचे कर दो, एच पी को हमेशा घुराते हैं नीचे, तो इसको घुराइएगा तो ये यहाँ पर आया, इसको घुराइएगा तो ये यहाँ पर आया,
एक लाइन ऐसा बन गया, इसके नीचे बन गया, यहाँ से यहाँ दिखा दो क्या है, छोटा ए छोटा बी हो गया। आप नहीं भी मिला सकते हो, तो ये हो गया क्या, डैश है तो क्या हो गया फ्रंट व्यू, और डॉट है तो क्या मतलब सिंपल है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर है तो क्या हो गया टॉप व्यू। कौन सा एंगल में है, फर्स्ट एंगल। लेकिन यही अपोजिट अगर ड्रॉ कर दें, ये ऊपर ये नीचे, तो थर्ड एंगल हो जाएगा। तो यही था दूसरा कंडीशन हम लोग का, पैरेलल एचपी का वीपी के परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ये फिगर आपका ऑप्शन में रहेगा, बोलेगा कौन सा कंडीशन होगा तो आप बता दे वो फिगर देखकर। तीसरा एक नंबर हम लोग देखते हैं एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल, तो ये कैसे होगा दोनों का पैरेलल, तो जल्दी से इसको देखते हैं दोनों का पैरेलल कैसे एक लाइन होगा। तो एक देखिएगा यहाँ पर एक लाइन ले ली ऐसे, देखिए ये ले रहे हैं लाइन ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे लिए तो इसका परपेंडिकुलर इसका पैरेलल, लेकिन एक लाइन ऐसे ले ले रहे हैं देखिए ऐसे। अब बताइए ये इसका भी परपेंडिकुलर, इसका भी और इसका भी परपेंडिकुलर, कैसे लाइन लेना ऐसे, तो इस पर कैसे फिगर बना पाओगे, ऐसे बना पाएंगे इस पर नहीं बना पाएंगे। लेकिन इसको सिखाने के लिए देखिए कैसे पॉइंट ले लिए यहाँ पर, तो जल्दी से देखिए सामने से, यहाँ से सामने से देखिए एक यहाँ क्या बन जाएगा लाइन, एक यहाँ लाइन बन जाएगा, और ऊपर से देखिए एक नीचे भी लाइन बन जाएगा। तो दोनों जगह यदि लाइन बन गया, यहाँ भी लाइन यहाँ भी लाइन, इसको ऐसे नीचे कर देंगे तो दोनों जगह यदि लाइन बन जाए तो हो जाएगा एच पी और वी पी के दोनों का पैरेलल। तो यही था और अगर इंक्लाइन बोल दे तो इंक्लाइन का मतलब ऐसे थोड़ा झुका हुआ, ये देखिए तो एच पी से झुका हुआ है और वी पी के क्या है पैरेलल। तो इसको सामने से देखिए तो कैसा दिखेगा, थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, सामने से देखो आप कैसा दिखेगा इंक्लाइंड है, यहाँ टेढ़ा दिखेगा, और ऊपर से देखो ऊपर से तो यहाँ पर छपेगा, थोड़ा सा छोटा लाइन बन जाएगा। तो यही था प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन। थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।